ऑल माई गेस्ट अगैन, मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, शाहनवाज धानी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज धानी, आपके ऊपर मैं जाना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी। अब लोगों को ये दिखता है कि एक लड़का आया, आके उसने PSL खेला, PSL में 2021 में हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया और वाह वाह चर्चे शुरू हो गए। मगर फिर मैं और रिवाइंड करती हूँ, शाहनवाज धानी शुरुआत होती है सिंध के एक छोटे से गांव से और वहाँ से आगे बढ़ के शाहनवाज धानी जो है वो इस जगह तक आते हैं। सबसे मुश्किल मरहला जो इस पूरी चीज़ में बीच में आया वो क्या था? मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आसान नहीं होता सर। जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे मुश्किलात मैंने देखे हैं अपने इस ये जो मेरा पीरियड था, यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे फैमिली से भी इतना फ्रीडम नहीं था कि मैं जाके क्रिकेट खेलूँ, क्योंकि वहाँ से ना सिर्फ हमारे गांव से बल्कि पूरे वहाँ से साइड से इनसे कोई ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए मतलब खेला या ऐसा कोई नहीं हुआ, तो इसकी वजह से मुझे फ्रीडम नहीं थी। तो अपने गांव में खेती बाड़ी के साथ वो भी करते थे और जो टेप बॉल की क्रिकेट है वो खेलते थे, लेकिन जब मुझे पैशन बहुत ज़्यादा था, क्रेज़ बहुत ज़्यादा था खेलने को और देखने को स्पेशली, तो बिल्कुल जब मुझे अपने करियर में जो एक मेरी सिलेक्शन थी वो थी 4-day क्रिकेट, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बनना बहुत मतलब मायने रखती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कहलाना। और मुझे उस दिन जब मेरा फर्स्ट क्लास में डेब्यू था, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन मैंने जब वो डेब्यू किया तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी जो आगे बढ़ने की वो जो जस्तजू थी वो ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके साथ फिर मैंने यही किया था कि जो क्रिकेट मुझे मिलेगी अल्लाह पाक मुझे खिलाएंगे, तो मैंने मुझे उसमें परफॉर्म करना है, आगे की चीज़ें बाकी वो अल्लाह ताला के हाथ में हैं। बिल्कुल ऐसे था, क्योंकि लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी PSL से पहले, तो वो लाइव मैचेस जा रहे थे, वो बड़े क्रूशल थे, तो वो उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझसे परफॉर्म करवाया। तो उसके बाद जब ड्राफ्ट पे नज़र डाली तो PSL तो एक ब्रांड है, तो मेरा यही टारगेट था कि मैं भी PSL खेलूँ, तो अल्लाह पाक ने मेरी वहाँ पे भी सिलेक्शन की और मुल्तान सुल्तान ने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो बिल्कुल मैंने अपना 100% दिया और अपने क्रिकेट को एंजॉय किया। और उसके साथ डोमेस्टिक में जिस तरह सेकंड 11 से आप फर्स्ट 11 का हिस्सा बने और जिस तरह फिर आपने परफॉर्मेंस दी पिछले साल, वो बिल्कुल मैं क्योंकि पूरा वो कवर कर रही थी तो मुझे उसका अच्छी तरह से अंदाजा।